क्या आप सिर दर्द, घुटनों के दर्द, फटी रुखी एड़ियों, बालों के टूटने जैसी समस्याओं से परेशान हैं? तो आज ही अपनाएं ब्रह्मास्त्र ऑयल। सिर दर्द, घुटनों के दर्द, फटी रुखी एड़ियां, बालों के झड़ने जैसी समस्याओं में 100% फायदेमंद। आज ही घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें अपना ब्रह्मास्त्र फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826946666 और 07314983030 पर, या विजिट करें G34 यशवंत प्लाजा इंदौर पर। बेमेतरा में अमोरा शिवनाथ नदी में एक बालक की डूबने से संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने बालक की मौत को लेकर संदेह जताया है, वहीं मामले में उचित जांच की मांग की है। बालक के डूबने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जहां 24 घंटे की छानबीन के बाद टीम को बालक का शव मिला। बालक की मौत के बाद परिजन के साथ अन्य लोगों ने मौत को लेकर संदेह जताया और अधिकारियों से उचित जांच की मांग की। सर, हर्ष चावला के नाम सर, उसके हम घटना चाहते थे, क्या उसका कारण था, क्या हुआ सर के साथ, ऐसा क्यों किया गया सर के साथ, हमें चाहते उसकी कार्रवाई अच्छे से हो। सर घर से पापा सर चाय पीने घर आया था सर, वो 4:30 बजे घटना सर, उस बीच में उसके पास 4 से 5 कॉल लगातार आया सर, तो उस बीच वो अचानक से पापा को बोला मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो गया सर। ऐसा क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ, उसके स्टेप पर क्यों हुआ सर उसके साथ, हमें चाहते हैं कि कार्रवाई हो सर। मैं आया था जो हमारे यहाँ युवा नौजवान साथी हर्ष चावला, जिनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई है, जिसमें बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। सच्चाई क्या है, हम चाहते हैं उनकी न्यायिक जांच की जाए, जो भी तथ्य उसको सार्वजनिक किया जाए, अगर घटना है तो घटना या किसी प्रकार का षड्यंत्र है तो षड्यंत्र, वो सभी चीज सामने आए। इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब से, SP साहब से, हमारे सिख समाज के भी युवा नौजवान साथी आए हैं, हम लोग चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर षड्यंत्र है उनको गिरफ्तार किया जाए, अगर दुर्घटना है तो दुर्घटना किन कारणों से हुआ उसके बारे में जाँच करके बताया जाए। कुछ दिन पहले एक बालक ने अमोरा पुल से कूद कर जो आत्महत्या का मामला आया था, उसमें कुछ संदेह परिवार वालों ने जाहिर किया है। उनके सारे संदेह के लिए हमने SDOP बेमेतरा को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है, और जो जो उनकी आशंका है उसमें विस्तृत जांच करवाई जाएगी, और अगर कुछ भी पाया जाएगा तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई। फिलहाल पुलिस ने मामले को जांच में लिया है, वहीं संदेहियों से पूछताछ के साथ पुलिस CCTV भी खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।